आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि टूल्स के मटेरियल्स के बारे में, है ना। कौन कौन से जनरली मटेरियल जो है वो टूल के रूप में इस्तेमाल होता है, वही है टूल मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं कि जो हमारा डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि टूल्स का यूज है कि टूल्स के से हम लोग वर्क पीस की कटिंग करते हैं, है ना। तो वर्क पीस का कटिंग करते हैं तो टूल जो है कोई भी वर्क पीस को जो कटिंग करता है वो बाय शियर एक्शन करता है, यानी उस वर्क पीस को शियर करती है। और फिर वर्क पीस का जो चिप है वो टूल के रेक फेस के ऊपर से पास करता है, जहाँ पर दोनों के बीच में घर्षण भी होती है, ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ जो टॉपिक है टूल मटेरियल, यानी कि अब टूल्स का जो भी एप्लीकेशंस है वर्क पीस को कटिंग करने के लिए, उसमें कौन सा मटेरियल का हम टूल्स इस्तेमाल करें, है ना। किस प्रकार के वर्क पीस को काटने के लिए किस प्रकार के टूल मटेरियल का इस्तेमाल हो, ताकि हमको मैक्सिमम टूल लाइफ भी मिले, हमको प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम आए, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। तो ये सब हमारा किसी भी इंडस्ट्री का एक गोल होता है ना। तो टूल मटेरियल का सिलेक्शन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल। एक टूल मटेरियल से हम, यानी कि जो भी मटेरियल को हम टूल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके पास क्या-क्या गुण होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है प्रॉपर्टीज वो है हाई हॉट हार्डनेस, जिसको रेड हार्डनेस भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो जैसा हम जानते हैं कि जब टूल मेटल कटिंग ऑपरेशन चालू रहती है और टूल जो है वर्क पीस को कटिंग कर रहा है, तो जो वर्क पीस का यहाँ पर चिप है वो टूल के इस रेक फेस के ऊपर से क्या करता है, ट्रेवल करता है ना। तो यहाँ पर ट्रेवल करने के दौरान इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन के कारण घर्षण होती है। उसके बाद जो ये कटिंग टिप है वो इस वर्क पीस को लगातार क्या कर रहा है, यहाँ पर शियर कर रहा है ना। यहाँ पर सीयर एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ हीट जनरेट करेगा, और यहाँ जहाँ चिप का फ्लो है रेक फेस, वहां तो यहाँ पर हीट जनरेट करता ही है। तो मेटल कटिंग ऑपरेशन के ड्यूरेशन में हीट का जनरेशन होता है। जैसा कि हम पहले भी बताएं कि चिप तो एक बार अपना जो भी हीट हुआ, ये हीटिंग हो करके ये निकल गया और ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर चला गया, लेकिन टूल का मटेरियल लगातार चिप के कांटेक्ट में रहने के कारण इस टूल का जो टेम्परेचर है, यानी इसके रेक फेस पे या फिर जहां भी हीट जनरेशन हो रहा है उस सरफेस पर लगातार टेम्परेचर का क्या होगा, इंक्रीमेंट होते रहेगा, टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। अब जनरली टूल मटेरियल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हाई हार्डनेस वाला मटेरियल जो भी है, ठीक है, हाई हार्डनेस टाइप का जो मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किस लिए, तो टूल बनाने के लिए। तो अब है कि अगर टेम्परेचर इस टूल मटेरियल का लगातार बढ़ते रहा तो मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा। अगर टूल का मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर वियरिंग रेट जो है टूल का वो बढ़ने लगेगा, काफी ज्यादा टूल वियर होने लगेगा। तो रेड हार्डनेस वो प्रॉपर्टी होता है कि ये ऐसा हार्डनेस वैल्यू जो कि हायर टेम्परेचर पर भी अगर टूल के हार्डनेस को बनाए रखता है, मतलब उसको सॉफ्ट होने नहीं देता है, तो इसी गुण को हम लोग रेड हार्डनेस कहते हैं। तो अब जो भी मटेरियल के पास रेड हार्डनेस जैसा प्रॉपर्टी होगा, इसका मतलब कि वो हायर टेम्परेचर पर भी अपना हार्डनेस को वो बनाए रखेगा, वो आसानी से सॉफ्ट नहीं होगा। तो वैसे मटेरियल का सिलेक्शन हम टूल मटेरियल के लिए कर सकते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी है रेड हार्डनेस, जो हम एक टूल मटेरियल के पास अच्छा होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी है टफनेस। टफनेस प्रॉपर्टी जो है ये एक ऐसा मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो कि एब्जॉर्ब एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक लोड, यानी शॉक को सहने की क्षमता। जैसे कि हम लोग वर्क पीस है और कटिंग टूल्स को जैसे ही वर्क पीस के कांटेक्ट में लाते हैं, स्टार्टिंग में ये टूल के ऊपर एक शॉक लगता है, क्योंकि ये अभी स्टार्टे हुआ है, तो ये मूव करते हुए टूल आया और वर्क पीस को में इंट्री कर
जैसे ही ये एंट्री पॉइंट पे आया, यहाँ पर क्या लगेगा, एक शॉक लगेगा, है ना। तो इसके पास टफनेस होना चाहिए, अगर तभी जा करके ये इस शॉक को क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो एक टूल मटेरियल से हम डिजायर करते हैं कि उसकी टफनेस अच्छी हो, ताकि उस पर लगने वाला शॉक को वो एब्जॉर्ब कर ले। इससे टूल का जो वियरिंग रेट है कम होगा और टूल लाइफ बढ़ेगी। तीसरा जो प्रॉपर्टी डिजायर करते हैं, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। जैसा हम जानते हैं कि कटिंग के ड्यूरेशन में टूल मटेरियल के ऊपर या टूल फेस के ऊपर हीट का जेनरेशन होता है, ठीक है। तो ये हीट जो जेनरेट करता है, अगर ये हीट तुरंत कंडक्ट कर जाए यहाँ से, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर या किसी भी सेक्शन के ऊपर जो मतलब हीट का टेम्परेचर का वैल्यू जो इंक्रीज होना है वो कम होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर ये गुड कंडक्टर है हीट का, तो जैसे ही हीट जनरेट होगा, वो हीट जो है इस टूल मटेरियल से कंडक्ट होके बाकी पार्ट में वो हीट चला जाएगा। तो इस तरह से हीट जो है लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हीट की वैल्यू कम हो जाएगी और वो टूल का जो वियर है वो कम होगा, टूल लाइफ जो है बढ़ेगा। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी हम डिजायर करते हैं। चौथा चीज है लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द टू चिप टूल इंटरफेस, क्योंकि हीट जनरेशन का सबसे बड़ा कारण है चिप का रेक फेस के ऊपर से फ्लो होना है, इंटर ये रगड़ते हुए पास करती है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट करता है। तो अगर कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन लोअर है, यानी टूल का फेस जो है वो स्मूथ है, तो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन लोअर होगा। और या फिर कुछ ऐसा मटेरियल का टूल बना हुआ जिसका कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन लोअर है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है वो कम होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, तो हीट भी कम जनरेट होगी और टूल का वियर कम होगा। ये चीज हो गया। पांचवा चीज है लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जनरली मेटल जो होता है, अगर उसकी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो एक्सपेंड करता है, फैलता है, और फिर टेम्परेचर को घटाएंगे तो वो सिकुड़ जाएगा। तो हम डिजायर करते हैं कि टूल मटेरियल का जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो लो होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि फिर अगर, क्योंकि ये टूल जब कटिंग करेगा तो इस पर स्वाभाविक है हीट जनरेशन के कारण इसकी टेम्परेचर राइज होगी। तो अगर इस उस वक्त ये अगर इसके पास एक्सपेंशन का गुण ज्यादा रहेगा तो ये टूल एक्सपेंड कर जाएगी, है ना। तो एक्सपेंड कर जाएगी तो इसका एक तो ज्योमेट्रिक शेप खराब होगा, है ना, और कटिंग टिप जो है और पतला हो जाएगा, तो कटिंग टिप भी टूटेगा, जिससे टूल का वियर जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम एक्सपेंशन हम डिजायर करते हैं। तो ये सब कुछ मुख्य प्रॉपर्टी है जो एक टूल मटेरियल से हम डिजायर करते हैं। अब ये सब प्रॉपर्टी जो भी टूल मटेरियल हमें अगर दे देती है तो वो परफेक्ट है टूल के लिए। तो जैसे कुछ कॉमनली यूज जो टूल मटेरियल है, जैसे फर्स्ट है हमारा हाई स्पीड हाई कार्बन स्टील। सबसे पहला चीज हम बताएं कि सबसे मेन प्रॉपर्टी जो टूल का होना चाहिए, उसके पास हार्डनेस होना चाहिए, हायर हार्डनेस होना चाहिए, और हार्डनेस ही नहीं रेड हार्डनेस होना चाहिए, टफनेस होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए और लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होना चाहिए। तो हाई कार्बन स्टील, तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज हायर होने के कारण इसकी हार्डनेस वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होता है, यानी इसका हार्डनेस वैल्यू लगभग 750 एचबी, एचबी वीकर हार्डनेस को कहते हैं, ये एक यूनिट होता है हार्डनेस को मापने का। तो हाई कार्बन स्टील का ऑलमोस्ट 750 एचबी उसकी हार्डनेस वैल्यू होती है। कटिंग स्पीड इससे हम जनरली 5 से 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से हम कट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कह रहा है कि कटिंग स्पीड को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि इसका रेड हार्डनेस कम होने की वजह से ये डाउन होगा और ये लगभग 150 वीकर हार्डनेस जो है वो हो जाएगा। तो ये 5 से 6 मीटर पर मिनट जैसा कटिंग स्पीड पर इसकी लगभग 750 बीकर हार्डनेस होता है, जो कि एक ठीक ठाक है, यानी कि इसका हम कॉमन पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि वुड वर्किंग, यानी जहाँ लकड़ी का कटिंग हो रहा है
तो इन सब चीजों में हम हाई कार्बन स्टील से बना हुआ टूल का इस्तेमाल, या कोई और जनरल पर्पस जिस पर कटिंग फोर्स लोअर है, काटने में कम फोर्स लग रहा है, तो ऐसे मटेरियल के लिए हाई कार्बन स्टील का हम यूज कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म जो है हाई कार्बन से स्टील से जा तो एडवांस फॉर्म में एक है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील जो होता है हाई कार्बन स्टील के कंपैरेटिवली इसका हार्डनेस हायर होता है, हायर हार्डनेस होता है। तो हाई स्पीड स्टील का जो कंपोजिशन होता है वो 1841 का HSS मतलब हाई स्पीड स्टील, इसको 1841 हाई स्पीड स्टील भी कहते हैं। इसमें 18 जो है बेसिकली टंगस्टन का परसेंटेज होता है, 4 जो है क्रोमियम का होता है और 1 जो है वेनेडियम होता है। और टंगस्टन का क्रोमियम वेनेडियम ये तीनों ही जो है ऐसा मटेरियल है जो किसी भी मेटल में, यानी जो भी प्लेन कार्बन स्टील में अगर इन तीनों को हम मिक्स करते हैं तो हार्डनेस वैल्यू इंक्रीज होता है। ये सबसे ज्यादा टंगस्टन हार्डनेस को बढ़ाता है, जो कि एक ये रेड हार्डनेस को भी बढ़ाता है टंगस्टन। तो जनरली हाई स्पीड स्टील दो कैटेगरी में आता है, एक टी सीरीज में आता है और एक एम सीरीज में आता है। टी सीरीज के हाई स्पीड स्टील जो होगा उसमें टंगस्टन मेजर एलॉयिंग एलिमेंट होगा, और जो एम सीरीज का हाई स्पीड स्टील होगा उसमें मॉलिब्डेनम जो है वो मेजर एलॉयिंग एलिमेंट के रूप में रहेगा। तो दोनों ही, चाहे मॉलिब्डेनम हो या टंगस्टन हो, ये दोनों ही ऐसा मटेरियल है जो हार्डनेस को बढ़ा देता है। प्लेन कार्बन स्टील में अगर इसको हम मिलाएंगे तो ये हार्डनेस उसकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका नॉर्मल कटिंग स्पीड जनरली 28 से 30 मीटर पर मिनट तक होती है और इसका वीकर हार्डनेस 850 तक लगभग होता है। तो ये हाई कार्बन स्टील से ये क्या है, थोड़ा ज्यादा मतलब कटिंग स्पीड भी है और हार्डनेस वैल्यू भी ज्यादा है। ठीक है, जनरली इसका इस्तेमाल हम लोग माइल्ड स्टील जैसा जो मेटल होता है उसको कटिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम बताएं कि टंगस्टन जो है ये हॉट हार्डनेस को बढ़ाता है, यानी कि टंगस्टन मिलाने से हायर टेम्परेचर पर भी वो टूल मटेरियल हाई स्पीड स्टील जो भी है टूल मटेरियल है ये हायर टेम्परेचर पर भी अपने हार्डनेस को बनाए रखता है। ठीक है, तीसरा जो एक कॉमन टाइप का मटेरियल है वो है सीमेंटेड कार्बाइड। ठीक है, इस टूल को बनाने के लिए जनरली हम लोग पाउडर मेटलर्जी टेक्निक यूज करते हैं। पाउडर मेटलर्जी से इस टूल को तैयार किया जाता है। इसमें अलग अलग कंपोजिशन में, जैसे कि टंगस्टन कार्बाइड में आता है, चूंकि सब ये कार्बाइड ही है, टंगस्टन कार्बाइड जिसका 2000 बिकर हार्डनेस है, टाइटेनियम कार्बाइड 3100 बिकर हार्डनेस है, टेंटेलम कार्बाइड जिसका 1800 बिकर हार्डनेस है, ये भी पी टाइप एम टाइप के टाइप में आता है। तो ओवरऑल जो भी कार्बाइड टूल है, कार्बाइड टूल का हार्डनेस वैल्यू क्या है, काफी ज्यादा है, जबकि हाई स्पीड का लगभग 850 वीकर हार्डनेस है, लेकिन इसका 2000-3000 वीकर हार्डनेस है, जो कि एक अच्छा खासा हार्डनेस वैल्यू है ना। इसका और सबसे खास बात क्या है कार्बाइड टूल का, कि ये सेल्फ शार्पेनिंग होता है। ये क्या होता है, इसका पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से तैयार किया हुआ है, इसीलिए ये क्या होता है, सेल्फ शार्पेनिंग। सेल्फ शार्पेनिंग का मतलब ये हो गया कि इसका एक टिप अगर टूट भी गया तो दूसरा टिप जो है, जैसे इसका पाउडर मेटलर्जी है तो पाउडर मेटलर्जी को एकदम कंप्रेस करके बनाया जाता है, तो एक एक पार्टिकल यहाँ टूटता भी है, अलग भी हो गया टूट के, तो दूसरा कटिंग एज खुद से ये तैयार हो जाता है। तो ये सेल्फ शार्पनिंग होता है, ये आसानी से वियर होता नहीं है, एक एक कटिंग एज अगर वियर हो गया तो वो दूसरा खुद ब खुद तैयार हो जाता है। तो ये है कार्बाइड टूल। तो इसका भी ज्यादातर मतलब जो इससे लोअर हार्डनेस का मटेरियल है तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ऑलमोस्ट जो है 150 मीटर पर मिनट तक का इसका कटिंग स्पीड होता है। नेक्स्ट जो एक है, एक यूकॉन है। यूकॉन जो है ये बेसिकली यूनियन कार्बाइड कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया ये कटिंग टूल है।
है ना, इसमें 50% कोलंबियम, 30% टाइटेनियम, 20% टंगस्टन, इन सब का एलॉय मिला के एक यूकॉन टूल मटेरियल तैयार किया गया है ना। ये इसको रोलिंग प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है और नाइट्रोजन का डिफ्यूजन किया जाता है। नाइट्रोजन का डिफ्यूजन नाइट्राइडिंग प्रोसेस कहलाता है ना। और नाइट्राइडिंग प्रोसेस जो है ये हार्डनेस को बढ़ाने का एक प्रोसेस है, जिसमें नाइट्रोजन गैस को जो है यानी कि अमोनिया गैस को इसमें पास कराया जाता है, तो अमोनिया नाइट्रोजन में टूट के और ये डिफ्यूज कर जाता है, तो ये नाइट्राइडिंग प्रोसेस कहलाता है। तो नाइट्राइडिंग हार्डनेस वैल्यू को इंक्रीज करता है ना। तो यूकॉन का भी हार्डनेस अच्छा खासा होता है ना। इसका यूज जो है जनरली हायर स्पीड और फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील के लिए ये सूटेबल नहीं होता है ना। तो ये लगभग कह रहा है कि मतलब 650 डिग्री C पर नाइट्रोजन का डिफ्यूजन होता है सरफेस पर, इस कारण से इसका सरफेस जो होती है वो काफी हार्ड हो जाती है ना। इसके बाद है एक स्टेलाइट, ये भी एक इसको कास्ट हार्ड एलॉय कहते हैं, और यह स्टेलाइट मटेरियल ये भी एक क्या है, टूल मटेरियल के रूप में हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं है ना। तो इसके पास भी हॉट हार्डनेस होता है, यानी कि लगभग 800 से 900 डिग्री सी टेम्परेचर तक अपने हार्डनेस को ये बनाए रखता है। और इसके पास एक खास गुण है कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इसका लोअर होता है ना। तो इसका यूज फिर हम लोग टूल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो हार्डनेस वैल्यू स्टेलाइट और यूकॉन का है वो कह रहा है कि कार्बाइड से लोअर होता है। देखिए, यूकॉन एंड कास्ट हार्ड एलॉय आर इनफीरियर टू कार्बाइड, ये कार्बाइड से कम होता है और सुपीरियर टू हाई स्पीड स्टील, यानी कि ये दोनों ही टूल मटेरियल यूकॉन और स्टेलाइट हाई स्पीड स्टील से अच्छा होता है, हार्डनेस इस दोनों का ज्यादा होता है और कार्बाइड से हार्डनेस कम होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो बाइंडिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है बाइंडिंग एजेंट के रूप में। और यहाँ पर कार्बाइड टूल में भी याद रखेंगे कि कार्बाइड टूल में भी जो बॉन्डिंग एजेंट होता है, इसमें भी जो चूंकि ये पाउडर मेटलर्जी से तैयार किया जाता है, तो एक बाइंडिंग एजेंट के रूप में हम यहाँ भी कोबाल्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसीलिए सब में देखिए कि पी टाइप में भी 10% कोबाल्ट है, एम टाइप में भी 10% है, इसमें भी 10% है। तो कार्बाइड को भी टूल बनाने में भी जो बाइंडिंग एजेंट है, यानी कि जो कार्बाइड पाउडर को जो चिपकाने का काम करता है, वो कोबाल्ट ही करता है। और स्टेलाइट में भी यहाँ पर ये भी कोबाल्ट ही बाइंडिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। इसका मेजर एलॉयिंग एलिमेंट वही 53% इसमें कोबाल्ट होता है, 33% क्रोमियम और 14% टंगस्टन होता है। तो इन सब मिला के ये स्टेलाइट तैयार किया जाता है। इसका हार्डनेस वैल्यू, हॉट हार्डनेस वैल्यू अच्छा खासा होता है, 800 से 900 डिग्री C तक अपना हार्डनेस बनाए रखता है। नेक्स्ट जो टूल मटेरियल है वो है सेरामिक। सेरामिक भी एक सेरामिक जो कि एक एल्युमिनियम ऑक्साइड को ही हम लोग सेरामिक कहते हैं, इसको भी पाउडर मेटलर्जी के थ्रू तैयार किया जाता है ना। ये भी ज्यादा मतलब इसका वीकर हार्डनेस देखिए लगभग 2200 Hb है, मतलब कार्बाइड टूल से भी ज्यादा हार्ड होता है सेरामिक, है ना। इसका स्पीड 400 मीटर पर मिनट तक हो जाती है। तो ये हाईली हार्ड होता है और इसका ब्रिटल भी वो उतना ही हाईली ब्रिटल भी होता है। सेरामिक टूल जो होती है वो हाईली ब्रिटल भी होता है और हार्डनेस भी इसका कार्बाइड टूल से भी ज्यादा होता है। हॉट हार्डनेस इसका लगभग 1200 Hb तक होता है ना। मतलब 1200 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि लगभग ये जैसे कि स्टेलाइट जो है 900 डिग्री सेल्सियस तक हॉट हार्डनेस बनाए रखता है, वही सेरामिक का हॉट हार्डनेस लगभग 1200 डिग्री C तक ये अपना हार्डनेस को बनाए रखता है। नेक्स्ट जो टूल मटेरियल है वो है साइलॉन। सिलिकन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मिला करके ये एक एलॉय बनाया जाता है, जिसको सिंपल सा नाम है साइलॉन। ठीक है,
तो ये भी कह रहा है कि ये टूल मटेरियल को डेवलप किया गया कि ये एक्सेलेंट सरफेस फिनिश देता है, मेटल के ऊपर जो है एक्सेलेंट सरफेस फिनिश देता है, यानी कि इसमें भी कॉपिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, लोअर होती है, लेकिन ये कॉस्टली होता है। इसका जनरली यूज मतलब ये जो प्रोड्यूस किया जाता है वो मिलिंग सिलिकॉन नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, एलुमिना, येट्रियम ऑक्साइड, इन सब का मिलिंग से तैयार किया जाता है ना। इसके पास हायर थर्मल शॉक रेजिस्टेंस होती है और ये टफर भी होता है, ठीक है। तो ये है साइलोन, इसको रिकमेंड किया जाता है खास करके कास्ट आयरन और निकेल बेस्ड जो भी एलॉय है ना, उसको हम एक इंटरमीडिएट कटिंग स्पीड के साथ यानी कि कास्ट आयरन और निकेल एलॉय के मशीनिंग के लिए हम साइलोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये साइलोन के पास आयरन का एफिनिटी होता है, इसीलिए इस टूल्स का इस्तेमाल हम आयरन वर्क पीस को मशीनिंग करने के लिए नहीं करते हैं, है ना। इसका कटिंग स्पीड जो है 300 मीटर पर मिनट होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये सेरामिक से इसका हार्डनेस लोअर होता है। उसके बाद जो है सेकेंड मोस्ट हार्ड मटेरियल जो टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, जिसको सीबीएन कहते हैं, है ना। सीबीएन एक बहुत ही हार्ड मटेरियल है, यानी कि इसमें इसका हार्डनेस वैल्यू 4700 Hb होता है और कटिंग स्पीड 600 से 700 मीटर पर मिनट होता है। तो इसमें जो सीबीएन में एलॉयिंग एलिमेंट जो यूज होता है वो है बोरोन। बोरोन जो है हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है, और क्योंकि इसके पास कह रहा है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब ये हीट किया जाता है तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जो कि एक वेरी हार्ड स्ट्रक्चर बनती है ना। ये काफी हार्ड मटेरियल होता है, इसको एज ए हम कहे तो सेकेंड मोस्ट हार्ड मटेरियल कहा जाता है। सबसे हार्ड मटेरियल डायमंड है, उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पर सीबीएन ही होता है। तो सीबीएन का इस्तेमाल जनरली हम लोग पहले कर रहे कि स्टेनलेस स्टील या हाई स्पीड स्टील का मतलब मशीनिंग के लिए करते हैं, और उसके बाद एलॉयिंग एलिमेंट के लिए, डाई के लिए, है ना, जो खुद हार्ड मटेरियल है। जैसे है कि मान लीजिए हाई स्पीड स्टील जो है सो ये खुद जो है सो एक क्या है, हार्ड मटेरियल है, इसका हम लोग खुद इस्तेमाल करते हैं एक कटिंग टूल्स के रूप में। लेकिन अगर ये टूल घिस जाए, यानी हार्ड हाई स्पीड स्टील का टूल है ये, अगर घिस गया तो फिर हम लोग को कटिंग स्पीड जो मतलब ये घिस गया तो इसको फिर से रिशार्प करने के लिए हम जिस टूल का इस्तेमाल करेंगे तो वो है सीबीएन। सीबीएन का पाउडर हम लोग ग्राइंडिंग व्हील में यूज करते हैं, इसका पाउडर ग्राइंडिंग व्हील में चिपका दिया जाता है तो फिर ये काफी हार्ड हो जाती है, और इसका इस्तेमाल फिर हम लोग हाई स्पीड स्टील के टूल्स के मशीनिंग के लिए कर लेते हैं। उसके बाद नाइन्थ है डायमंड। डायमंड जो है सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है, जितना भी टूल मटेरियल होती है उसमें सबसे हार्ड मटेरियल, और इसके पास जो होती है हार्डनेस सबसे हाईएस्ट होता है। क्या चीज? हार्डनेस। और दूसरा चीज है कि इसके पास हायर थर्मल कंडक्टिविटी, हाईएस्ट बोलेंगे, हायर ही नहीं, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी भी होता है डायमंड, जो कि एक नॉन मेटल है के कैटेगरी में आता है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी इसका मेटल से भी कई गुना ज्यादा होती है, और हार्डनेस भी क्या है, सब मेटल से भी ज्यादा है। इसका लगभग 7500 Hb इसका हार्डनेस वैल्यू होता है, और इसका कटिंग स्पीड 1000 मीटर पर मिनट होता है। लेकिन ये कॉस्टली मटेरियल है, तो इसका जो डस्ट होता है, डायमंड डस्ट का यूज हम लोग ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव में करते हैं, और उस ग्राइंडिंग व्हील से हम लोग जो मान लीजिए हाई स्पीड स्टील का टूल है जो घिस गया है उसको रिशार्प करना है, तो फिर हम इसी उस मटेरियल को यहाँ ग्राइंडिंग व्हील पे लाते हैं और रिशार्पनिंग एक्शन करते हैं, तो वहां पर फिर डायमंड डस्ट का भी यूज करते हैं ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव के रूप में, ठीक है। और दूसरा चीज है कि हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होने कारण इस टूल मटेरियल के ऊपर हीट का
जो मतलब कहीं पर जनरेशन है वो लोअर होता है, जैसे ही हीट जनरेट करता है वो तुरंत कंडक्ट कर जाता है वहां से। इसके बाद है एक नेक्स्ट जो कोटेड टूल है, जनरली उस पर कुछ जैसे कि मतलब हाई स्पीड स्टील का टूल लिए, उसके ऊपर कुछ हार्ड मटेरियल का कोटिंग कर दिए, जैसे कि टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम नाइट्राइड है ना, टाइटेनियम साइनाइड, तो ये सब कुछ कोटिंग है जो इस टूल मटेरियल के ऊपर कर दिए हाई स्पीड स्टील टूल के ऊपर, इससे उसकी हार्डनेस वैल्यू और बढ़ जाती है। तो ये था कुछ कॉमन मटेरियल जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग जनरली टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कंपटीशन में जनरली जो है हार्डनेस ऑर्डर पूछ देता है, तो हार्डनेस ऑर्डर सबसे ज्यादा डायमंड का होगा, फिर सीबीएन का होगा, उसके बाद फिर जो है सेरामिक का होता है ना, सेरामिक के बाद फिर कार्बाइड टूल का होता है, कार्बाइड टूल्स के बाद फिर ये यूकॉन स्टेलाइट ये सब होता है, साइलोन ये सब इंटरमीडिएट में आता है, फिर हाई स्पीड स्टील का आता है, और सबसे लोअर हार्डनेस जो है ये हाई कार्बन स्टील का होता है। तो इसी सब में कभी कभी हार्डनेस ऑर्डर पूछ देता है ना, तो ये चीज है हमारा कटिंग टूल मटेरियल के बारे में। अब है मेजरमेंट ऑफ कटिंग फोर्स, इसमें बस एक ही पॉइंट याद रखना है, डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि कटिंग फोर्स को मापने के लिए हम किस प्रकार के डिवाइस का यूज करते हैं, तो वो यूज होता है डायनेमोमीटर, जो कि टूल और वर्कपीस जहां मशीनिंग प्रोसेस हो रही है वहां पर कितना कटिंग फोर्स मेरा लग रहा है उसको डायनेमोमीटर की मदद से हम मेजर करते हैं। इसमें बस और कुछ भी, ये सब उसका टाइप है ना, सब डायनेमोमीटर ही है, अलग अलग इसका बनावट है, इसके आधार पर ये अलग अलग टाइप है, लेकिन सबका जो पर्पस है कि वही कटिंग फोर्स को मेजर करना। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर एक चीज और यहाँ पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ टूल को, जनरल क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, जो कि एक ग्राफ की मदद से हम दिखा रहे हैं कि एक ग्राफ पर एक तरफ है रेट ऑफ प्रोडक्शन और दूसरी तरफ है वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन। रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हो गया कि जॉब हमारा मान लीजिए एक ही तरह है या दो तरह है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन उसकी जॉब का जो प्रिपरेशन है ना, वो नंबर ऑफ जॉब ज्यादा बन रहा है। अब वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन में है कि एक ही टूल की मदद से हम लोग बहुत सारा तरह का जॉब बना लेते हैं, तो वो कहलाया वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर टर्म आती है फ्लेक्सिबिलिटी और एक प्रोडक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये हो गया कि कोई भी टूल को कहेगा कि ये टूल क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इस टूल को का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे चीज को कटिंग करने के लिए हम लोग कर लेते हैं, मतलब बहुत सारा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एक टूल का एग्जाम्पल ले लें, जैसे लेथ मशीन पर ही हम लोग कटिंग करते हैं, तो वहां पर गियर भी काट लेते हैं, थ्रेड भी काट लेते हैं, वहां पर बहुत सारा चीज, अगर एक ही टूल से बहुत सारा टाइप का जॉब अगर हम बना लेते हैं, तो इसका मतलब है कि उस टूल की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। अब प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि एक ही को जॉब बन रहा है, लेकिन उस टूल की मदद से हम बहुत नंबर ऑफ जॉब जो है वो ज्यादा बन रहा है, तो वो प्रोडक्शन हो गया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टूल में जैसे आता है कि जनरल पर्पस मशीन टूल, तो अब जनरल पर्पस मशीन टूल में ये क्या है, तो नाम से ही है कि जनरल पर्पस, तो इसमें है कि जनरल इसका इस्तेमाल जो है, इस प्रकार के टूल का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे नंबर ऑफ जॉब्स को, मतलब नंबर ऑफ टाइप ऑफ जॉब्स, बहुत सारे तरह का जॉब्स हम लोग इसी टूल की मदद से बना लेते हैं है ना। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें जरूरत होता है स्किल्ड ऑपरेटर का, क्योंकि ये जनरल पर्पस टूल है, इस टूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये एक स्किल्ड मतलब वर्कर ही दे सकता है, स्किल्ड ऑपरेटर का जरूरत होता है। इसमें आइडल टाइम ज्यादा होता है, यानी कि बहुत सारा समय जो है वो हमको ऑब्जर्व करने में ही खर्च हो जाता है,
उसके बाद है कि इसका में टूल का सेटिंग टाइम जो है वो काफी ज्यादा लगता है, बार बार टूल को सेट करना हटाना, तो इससे हमारा जॉब का प्रोडक्शन जो है वो लोअर होता है। तो इसकी जनरल पर्पस मशीन टूल का, इसको शॉर्ट में जीपीएम भी कहा जाता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये डिफरेंट तरह के जॉब को बना सकता है, लेकिन जॉब की जो संख्या होगा वो बहुत कम होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन इसका लोअर होगा, इसीलिए इसका विड्थ जो है वो छोटा हाइट में दिया हुआ है, लेंथ ज्यादा में दिया हुआ है, यानी वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन इसका ज्यादा होगा लेकिन नंबर ऑफ जॉब कम बनता है इससे, क्योंकि इसमें आइडल टाइम ज्यादा लगता है, सेटिंग टाइम ज्यादा लगता है, टूल को बार बार मशीन पर सेट करना हटाना, इसमें स्किल्ड ऑपरेटर का जरूरत पड़ता है, ईरर का चांस ज्यादा रहता है इस प्रकार के टूल में। दूसरा है प्रोडक्शन मशीन टूल। ये प्रोडक्शन मशीन टूल्स में जो है, इसमें जनरल पर्पस टूल के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन है कि इसमें इस प्रकार के टूल के इस्तेमाल करने में लेस स्किल ऑपरेटर का जरूरत होता है, इसमें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के टूल में कुछ कुछ प्रोसेस जो है वो ऑटोमेशन है और कुछ कुछ मैनुअली है, ठीक है। तो इसमें वैरायटी ऑफ जॉब भी कुछ ठीक ठाक मिलेगा और प्रोडक्शन भी इसमें कुछ ठीक ठाक मिलेगा, है ना। लेकिन इसमें भी है कि अब जैसे इसका इस प्रकार के टूल का इस्तेमाल हम लोग जैसे कैप्स्टन लेथ, टरेट लेथ, ये जो होता है कोई भी ऑटोमेट्स है, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग है, तो इन सब चीजों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं जिसमें कुछ कुछ ऑटोमेशन होता है और कुछ कुछ मैनुअल भी होता है ना। इसीलिए ये एक क्या है, बीच बीच में है कि प्रोडक्शन मशीन टूल से हमको ठीक ठाक प्रोडक्शन भी मिल जाता है और इसमें वैरायटी भी जॉब का ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन इसमें भी सेटिंग टाइम जो है वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। इसमें आइडल टाइम भी, आइडल टाइम और सेटिंग टाइम जो है जनरल पर्पस टूल से कम लगेगा, लेकिन फिर भी इसमें ठीक ठाक लग जाता है। इसी का फिर एक एडवांस फॉर्म है स्पेशल पर्पस मशीन टूल। ये जो है तो फुल्ली ऑटोमेशन है। ये क्या है, फुल्ली ऑटोमेशन मतलब जितना भी ऑटोमेटिक मशीन होता है, जो जिसमें हमको मान लीजिए कि जो भी ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें तो स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत तो होता ही नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो उसमें नॉन स्किल ऑपरेटर भी उसको ऑपरेट कर सकता है। तो जो भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है उसमें जो यूज्ड होने वाला टूल होता है वो स्पेशल पर्पस मशीन टूल, इसको शॉर्ट में एसपीएम भी कहा जाता है ना, वो होता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ये टूल जो है थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये कंप्लीट ऑटोमेशन देता है। तो इसका मास मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि इस टूल का इस्तेमाल जहाँ पर वैरायटी जॉब का कम हो और जॉब की संख्या हमें ज्यादा बनाना है, तो वैसे केस में हम स्पेशल पर्पस मशीन टूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन जो है हर तरह के जॉब के लिए, मतलब एक ही मशीन पर एक ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें अगर हम 10 तरह का जॉब बनाना चाहेंगे तो वो संभव नहीं होता है। तो इसीलिए ऑटोमेशन होने के कारण वो नंबर ऑफ वैरायटी कम हो जाती है ना। लेकिन ऑटोमेशन के कारण जो प्रोडक्शन रेट होता है वो काफी इंक्रीज कर जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये स्पेशल पर्पस मशीन टूल्स जो है वो फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, इसमें वैरायटी जॉब का कम होगा लेकिन रेट ऑफ प्रोडक्शन इसका अच्छा होगा। इसके बाद है लास्ट एक सिंगल पर्पस मशीन टूल। इस टूल का इस्तेमाल तो ये भी एक फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक, और दूसरा चीज है कि ये टूल जो है एक ही जॉब के लिए ये सुटेबल होता है, सिंगल टाइप ऑफ जॉब। अगर कोई भी इंडस्ट्री में एक ही तरह का अगर जॉब बन रहा है, ठीक है, उसका हर चीज फिक्स है, डायमेंशन फिक्स है, उसका क्या क्या कटिंग ऑपरेशन होना है वो सब फिक्स है,
तो वहां पर हम लोग सिंगल पर्पस मशीन टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जॉब की वैरायटी जो होती है वो एकदम सबसे कम होता है, यानी कि वैरायटी इसमें बहुत कम होती है, मतलब एक ही तरह का जॉब इसमें बनेगा। तो स्वाभाविक है कि एक ही तरह का जॉब बनेगा वो ऑटोमेटिक मशीन पे बनेगा, तो जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होगी उसकी काफी हाई होगी। इसीलिए इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन के तरफ जो ये लाइन है ये काफी लॉन्ग लेंथ का है। इसका मतलब ये टूल जो है वो रेट ऑफ प्रोडक्शन के लिए ज्यादा सुटेबुल है, वैरायटी के लिए कम सुटेबुल है। लेकिन हाँ, ये फुल्ली ऑटोमेशन है, इसमें जो ऑपरेटर है उसको भी मतलब उतनी स्किल नहीं भी है तो भी इसको ऑपरेट कर लेगा। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे लोअर होता है, और ये भी एक तरह का एक्सपेंसिव टूल्स होती है ना। तो ये था डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टूल्स। कुछ टूल्स ऐसे थी जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, कुछ टूल्स ऐसा है जिसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं।